हेलो एवरीवन, वेलकम टू पायोनियर एजुकेशन एकेडमी। हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने चैप्टर 3 जो अपना प्लेइंग विथ नंबर है उसका सारा थ्योरी और कुछ प्रॉब्लम साथ में हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कुछ चुनिंदा क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन। ठीक है, और लास्ट में मैं तुमको ट्रिक बताऊंगा जिससे तुम आसानी से बता सकते हो कि एलसीएम का क्वेश्चन है या एचसीएफ का क्वेश्चन है या फिर कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है कि रिड्यूस इनटू द लोवेस्ट टर्म। ठीक है, तो मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर गिवेन हो और पूछ रहा हो तुमसे कि इसको लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो तुमसे बोल रहा है कि ऐसे टर्म में रिड्यूस करो कि फर्दर वो रिड्यूस ना हो, मतलब फर्दर वो डिविजिबल ना हो। अगर वर्ड बोले तो क्या बोलेंगे कि वो फर्दर डिविजिबल नहीं हो। तो बताओ कि अगर वो फर्दर डिविजिबल नहीं होगा तो कैसे रिड्यूस करेंगे, कंसेप्ट लगाओ। तो हम कंसेप्ट क्या बताए थे कि फैक्टर होता है, फैक्टर जो उसको डिवाइड करता है, बताए थे। अगर मैं सबसे बड़ा फैक्टर से ही इन दोनों को डिवाइड कर दूं, क्या करूं, इन दोनों का सबसे बड़ा फैक्टर है उन दोनों से ही अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, सबसे लोएस्ट टर्म आ जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज को उससे जो मैक्सिमम डिविजिबल हो सकता है उससे तुम डिवाइड कर दिए, इसका मतलब उसका लोएस्ट टर्म आ गया। तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं, इसको बनाते हैं। तो देखो 161207, तो फैक्टर एचसीएफ निकालना। आप क्या करेंगे, स्टेप वन फाइंड एचसीएफ। अब तुमको पता है एचसीएफ निकालने का 2-3 मेथड मैंने बताया था, किसी को भी लगा लो। चलो डिवीजन मेथड लगाते हैं। तो डिवीजन मेथड में क्या था, जो बड़ा नंबर होता था उसको छोटे वाले से डिवाइड करते थे। ठीक है, तो देखो कितना आएगा, 1 × 161 6 × 6 4 46। फिर ये किसको डिवाइड करेगा, 161 को, तो कितना आएगा, 4 × 4 4 3 हो जाएगा, 8 13। 11 में से 8 गया 3, 5 में से 3 गया 2, 23। ठीक है, 23 को तो 46 से डिवाइड करोगे तो 2 × 46 दिया। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना है हमारे पास, एचसीएफ कितना है बताओ, 23। क्योंकि जो मेरा लास्ट में कोसेंट बचता था वही हमारा क्या होता था, एचसीएफ। मतलब जब रिमाइंडर 0 हो और जो कोसेंट बचता है हमारा क्या होता है, एचसीएफ। इस डिवीजन मेथड को हमने किया था, इसको क्या बोलते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन मेथड। ठीक ना, इसको मैं डिटेल में बता दिया वीडियो में। अब मैं क्या किया, एचसीएफ निकाल लिया। अगर इस ये क्या है, ऐसा फैक्टर है जो दोनों का सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि कॉमन है, अगर हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, इसका लोएस्ट टर्म। तो डिवाइड करते हैं तो 161 डिवाइडेड बाय 23, अभी तक ऐसे कर लो डायरेक्ट 23, और इसको इसको कर लो डिवाइडेड बाय 207 23। ठीक है, अब ये कितना आएगा देखो, 161 को करोगे तो कितने टाइम्स में आ जाएगा, मुझे लगता है ये आ जाएगा तुम्हारा 46 3 जा, तो चलो चलो 18 ये हो जाएगा तुम्हारा 7 टाइम्स में हो जाएगा सर। देखो 20 × 147 टाइम्स में हो जाएगा, ये कितने में हो जाएगा, 9 टाइम्स में हो जाएगा, ये तो तुम्हारा 9 टाइम्स में हो जाएगा। तो 7 × 9 तुम्हारा क्या है, सबसे लोएस्ट टर्म इसका। ठीक है, तो डायरेक्ट हम ऐसे करते हैं। और कभी भी क्वेश्चन में गिवेन हो कि लोएस्ट टर्म बताओ तो कुछ मत करो, उसका एचसीएफ फाइंड करो और उससे दोनों नंबर को डिवाइड कर दो। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट वे यही होता है। इसका लॉजिक भी यही है कि अगर कोई भी टर्म अगर लोएस्ट कब होगा, जब उसके हाईएस्ट फैक्टर से तुम डिवाइड कर रहे हो। किसी भी चीज का अगर डिविजन क्या उसको करता है, छोटा करता है,
और सबसे छोटा कब करेंगे जिससे हम उसको मैक्सिमम डिवाइड कर सकते हैं, तो मैक्सिमम डिवीजन फैक्टर क्या बोलते थे, एससीएम। ठीक है, ये सब चीजें हमने बहुत डिटेल से पिछले वीडियो में तुम लोगों को बताया है। अगर मान लो कि दिक्कत हो रही हो जाके पिछले वीडियो देखो तुम पहले। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन दैट एससीएफ ऑफ टू नंबर इज 7 and 8 and देयर प्रोडक्ट इज दिस मच, डिटरमाइन द एलसीएम। क्या बोल रहा है कि दो एससीएफ ऑफ टू नंबर इज 7 एंड देयर प्रोडक्ट इज 4900, डिटरमाइन देयर एलसीएम। अब देखो दो नंबर का एससीएफ क्या दिया हुआ है, 7 एंड देयर प्रोडक्ट इज 4990, डिटरमाइन देयर एलसीएम। तो इसका मैंने क्या बताया था कि एक रूल बताया था तुमको कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एससीएफ। ठीक है, मतलब गिवन दैट एससीएफ ऑफ टू नंबर इज 7, तो तुमको एससीएफ क्या दिया हुआ है 7 एंड प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इज 499, डिटरमाइन देयर एलसीएम। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है टू नंबर्स का 4990। ठीक है, और एक का एससीएफ कितना दिया हुआ है तुम्हारा 7, एलसीएम इंटू 7, कोई दिक्कत नहीं है। रूल यही था कि दो नंबर का अगर प्रोडक्ट उसके खुद के एलसीएम और एससीएफ का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो बताओ देयरफॉर एलसीएम इक्वल टू तुम क्या करोगे 4900 डिवाइडेड बाय 7, तो कितना आ जाएगा 700, एलसीएम कितना आ गया 700। ठीक है, रूल कुछ नहीं है, रूल को मैंने फिर बॉक्स में लिख दे रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मान लो ए इंटू बी को दो नंबर है, ठीक है, तो क्या होगा उसके एलसीएम एंड एससीएफ का प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है क्या होता है, उसके एलसीएम और एससीएफ का प्रोडक्ट होता है। इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग ऐसे करेंगे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि फोर बेल्स टॉल्स एट इंटरवल ऑफ 8, 14, 24, 168 सेकेंड, द बेल्स टॉल्स टुगेदर एट 5 o'clock, व्हेन विल दे अगेन टॉल टुगेदर, हाउ मेनी टाइम्स विल डू इट इन 56 मिनट। अब क्वेश्चन को समझो पहले। ठीक है, ट्रिक मैं बता दूंगा लास्ट में, बिना ट्रिक का पहले समझते हैं। बोल रहा है कि सिंपल है, घंटा है, ठीक है, चार घंटे है, घंटी बोल लो, ठीक ना, जो कि एक 8 सेकेंड के इंटरवल में बज रहा है, 14, एक 24 और एक 168। अब पूछता है कि जो भी सारे घंटे हैं वो 5 बजे बजे, कितने बजे बजे, द बेल टुगेदर एट 5 o'clock, वेन विल दे अगेन टॉल टुगेदर, मतलब 5 बजे बज चुके हैं, अगला बार घंटा एक साथ कब बजेगा, एंड हाउ मेनी टाइम्स विल डू इट इन 56 मिनट। अब क्वेश्चन सोचो कि ये इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे भी होता है कि मतलब चार जो रेस करने वाले धावक होते हैं वो दौड़ रहे हैं। ठीक है, अगर वो दौड़ रहे हैं तो कोई एक पीछे होगा, एक और पीछे होगा, हो सकता है वो बहुत पीछे हो। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे कि वो कितने सेकेंड में साथ में होंगे, सोचो, तो जब वो साथ में होगा तो कभी भी तो ऐसा नहीं होगा ना। देखो कि अगर साथ में होने के लिए क्या होगा, जो भी नंबर आएगा मेरा टाइम आएगा वो ये 168 या तो इसके बराबर या इससे ज्यादा आना चाहिए, समझो बात को, क्योंकि साथ में तभी होगा ना, जो सबसे बड़ा चीज है, मैं बताया था एलसीएम का कंसेप्ट में कि साथ में होने के लिए क्या, जो सबसे बड़ा चीज है उसके बराबर या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। अब देखो 8 सेकेंड में जो बज रहा है वो तो पहले ही बज जाएगा, 24 सेकेंड आते जाते 3 बार बज चुका होगा, वैसे आगे जाते कितने बार बज चुका होता, लेकिन अगर 168 सेकेंड वाला तो ऐसा नहीं होगा ना कि 8 में बजेगा, 14 में बटेगा, 24 में बटेगा, ऐसा तो बजेगा नहीं। वो जब भी बजेगा पहला टाइम 168 में बजेगा, दूसरा टाइम इसका 2 times, तीसरा टाइम उसका 3rd time बजेगा। ठीक है, तो यानी कि तुम क्वेश्चन देख के बोल सकते हो कि इसका क्वेश्चन है एलसीएम का, क्योंकि एससीएफ कभी भी जो सबसे छोटा नंबर होता है उससे बड़ा नहीं हो सकता, याद रखना, एससीएफ कभी भी जो सबसे छोटा नंबर गिवन है उससे बड़ा नहीं हो सकता है, और एलसीएम
जो सबसे बड़ा नंबर गिवन है उससे कभी छोटा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे तुम क्वेश्चन देख के बता सकते हो कि हमको पहले क्या करना होगा, इन चारों का एलसीएम लेना होगा। ठीक है, अब देखो एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, ठीक है, थ्योरी तुम लिख लेना। 8 14 34 168, इसका एलसीएम डिविजन मेथड से 2 times लगेगा, 4 7 12 84, ठीक है, फिर से 2 times लगेगा, 2 7 6 42, फिर 2 times लगेगा, 173 21, फिर 3 times लगेगा, 1717, फिर 7 times लगेगा, 1111, कोई दिक्कत? तो एलसीएम कितने हो जाएंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7, बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा इसकी एलसीएम। अब एलसीएम कितने आए देखो, 4 4 2 8 8 3 24 24 × 7, तो 24 × 7 करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 168 आया, कितना आ गया, मतलब हम कह सकते हैं ये जो चारों घंटी है एक 168 सेकंड में बज रही है। 168 सेकंड बोलने का मतलब कितना मिनट होगा, सोचो, एक सेकंड में 60, तो 60 दो सेकंड हो गया, तो 2 मिनट, ठीक है, तो 120 हो गया और 48 सेकंड, बोलो 168 को लिख सकते हैं ना, 2 मिनट 48 सेकंड, कोई दिक्कत यहाँ पे? यानी कि अगर वो 5 बजे बज रही होगी घंटी, तो अगला घंटी कब बजेगी, 5:02 48 सेकंड में, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं 2 मिनट 48 सेकंड ऑफ फास्ट 2 मिनट 48 सेकंड एट ऑफ 5 o'clock, मतलब 5:02 48 सेकंड के बाद दूसरी बार बजेगी। तो देखो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, व्हेन दे विल अगेन टॉल, तो 5:02 48 सेकंड। अब बोल रहा है कि तुम्हारे पास टाइम कितना गिवन है, 56 मिनट, तो 56 मिनट में कितने टाइम्स वो क्या होगा बजेगा, तो हम पहले इसको क्या कर लेते हैं, 56 मिनट को सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो 56 मिनट इज इक्वल टू 56 × 60 सेकंड, ठीक है, एक बार बजने के लिए 168 लग रहा है, इतना टाइम चेंज क्या करेंगे, इसको 168 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो अब चलो हटा देते हैं, सेकंड कट गया, अब करते हैं, ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, कितने से काटोगे इसको, 12 से काटता है, ठीक है, 12 × 25 = 60, 12 × 4 = 45, ठीक है, चलो चलो के 56 20 times, यानी हमारा आंसर कितना आया 20 times। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही करते हैं, तुम क्वेश्चन गिवन देख के बता सकते हो कि ये जो नंबर है इसमें एलसीएम लेंगे कि एससीएफ, ठीक है, तो चलो एक दो और क्वेश्चन करते हैं। हमने क्या किया, 2-3 क्वेश्चन किया, अब ये 3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 digit एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 48, 30 and 72। मैंने क्या बताया था, हमेशा 2 चीज बताया था, मैं फिर से ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है, ट्रिक क्या है, ट्रिक है कि क्वेश्चन में कभी भी एलसीएम एससीएफ कैसे पहचानेंगे, एलसीएम हो या फिर एससीएफ, ठीक है, तो मैंने ट्रिक को हमेशा बार बार ध्यान में देने के लिए बोला है कि जब भी एलसीएम लिखेगा ना तो पूछेगा कि डिवाइड्स, क्या लिखा रहेगा, डिवाइड्स, ठीक है, कभी भी या फिर डिवाइडेड, डिवाइड्स लिखेगा, ठीक है, इधर क्या लिखेगा, डिविजिबल बाय, या डिवाइडेड बाय, ऐसा कुछ लिखा रहे, मतलब समझो कि वो क्या है,
एलसीएम का क्वेश्चन है, डिविजिबल बाय या डिवाइडेड बाय या बस क्या लिखा है, डिवाइड्स है, एचसीएफ है, मतलब जहां पे डिवाइड्स लिखा है इसका मतलब क्या होता है पूछ रहा है, फैक्टर्स क्या पूछ रहा है, फैक्टर्स अगर डिविजिबल बाय दिस 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 दो तीन नंबर से डिविजिबल है इसका मतलब तुमसे क्या पूछ रहा है, मल्टीपल, क्या पूछ रहा है, मल्टीपल्स, इसलिए हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रिक है क्या है, एचसीएफ ऑफ मान लो कि थ्री नंबर्स थ्री और फोर नंबर्स इससे जैसे टू और मोर नंबर्स नेबर ग्रेटर देन द स्मॉलेस्ट। यहां पे हम लिख सकते हैं कि एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर इज नेबर स्मॉलर देन द लार्जेस्ट वन। यह एक ट्रिक है, इसी को समझना है तुमको कि कभी भी एचसीएफ निकालोगे ना दो चार जो भी नंबर गिवन है, कभी भी जो सबसे छोटा नंबर है उससे बड़ा वैल्यू नहीं आएगा। जैसे मान ले मैं किसी का भी एलसीएम, बस एग्जांपल ले रहा हूँ, रेंडमली ले रहा हूँ, ठीक है, मान ले 8, 9, 10, 100, 2, 15 किसी का भी निकालोगे तो जो भी इसका एचसीएफ होगा तो सबसे छोटा क्या है तुम्हारा, 8 से या तो 8 होगा या तो 8 से छोटा ही होगा, तब ध्यान देना। तो क्वेश्चन में तुम देख के बता सकते हो कि हमसे छोटा नंबर पूछ रहा है या फिर बड़ा नंबर, छोटा नंबर पूछ रहा है तो क्या होगा, एचसीएफ। उसी प्रकार अगर यही एग्जांपल ये बोलता है कि जो सबसे बड़ा नंबर है उससे कभी भी छोटा नहीं हो सकता एलसीएम, मतलब हम कह सकते हैं कि अगर 9, 10, 100, 2, 15 और एक और 8 में ना, तो जो भी नंबर होगा कभी भी 102 से स्मॉलर नहीं हो सकता है। उसी प्रकार यहाँ जो 8 है इससे ग्रेटर नहीं हो सकता है, ये चीज को हमेशा याद रखना, ठीक है। ये दो तीन पॉइंट अगर तुम दिमाग में रखोगे एचसीएफ एलसीएम का, एक्चुअली होता क्या है तुम लोगों को मैं बता चुका हूँ, एचसीएफ ऐसा फैक्टर है जो सबसे बड़ा हो तो फैक्टर मतलब जो रिमाइंडर तुमको जीरो दे, एलसीएम वैसा मल्टीपल है जो सबसे छोटा हो, याद रखो बस। तो ये जो ट्रिक है इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। और ये ट्रिक के तुम कभी भी कोई भी अगर तुम मान ले कि एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करो यहाँ पर ट्रिक लगाओ, लेकिन एग्जाम में तो ऐसे करेंगे नहीं, एग्जाम में क्या करेंगे पूरे प्रोसेस से लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम क्या किए हैं उसको लिख के करेंगे, तभी तो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखो। जैसे क्वेश्चन में फर्स्ट है देखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस दिस दिस, ठीक है। तो तुमको पता है ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या होता है, 9999 ये होता है, लेकिन तुमसे पूछ रहा है कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, तो तुम सोचो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, डिविजिबल बाय, देखो डिविजिबल बाय हम क्या बता दें, जहां पे डिविजिबल बाय डिवाइडेड बाय हो वहां पे क्या लेंगे, एलसीएम। वो तो ट्रिक था, लेकिन लॉजिक के अनुसार सोचो कि ऐसा नंबर बताओ कि जो इससे भी डिविजिबल हो, इससे भी हो और इससे भी हो, तो क्या कभी कोई छोटा नंबर बड़े से डिविजिबल होता है, फ्रैक्शन में आ जाएगा, यानी कि वो जो नंबर होगा 72 से बड़ा या फिर 72 होगा, क्लियर है। अब देखते हैं तो इसका एलसीएम लेते हैं, स्टेप वन क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा, 4, 8, 30, 72 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 2 times तो ये हो जाएगा तुम्हारा 24, 15, 36, फिर 2 times लगाओगे 12, 15, 18, 2 times लगाओगे 6, 15, 9, फिर से 3 times लगाओगे 2, 5, 3, ठीक है। यानी कि जो तुम्हारा नंबर आएगा, तुम्हारा जो एलसीएम आएगा 2 into 2 into 2 into 2 4 times, ठीक है। उसके अलावा 3 into 3 into 5, ये चीज तो हम लोगों ने बहुत डिटेल से किया है पिछले वीडियोस में, ठीक है, पिछले लेक्चर्स में।
तो ये सब चीज कर रहे आना चाहिए। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो जो बेसिक हो वो तो आना चाहिए ना। तो ये हम लोग एलसीएम निकाल लिए, तो एलसीएम कितना देखो ये हो गया तुम्हारा 2 4 8 16 16 5 80 80 into 9 80 into 9 72 ठीक है, ये 720 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब है देखो पूछ रहा है कि लार्जेस्ट नंबर तो तुम्हारा गिवन ये है, ठीक है, एलसीएम क्या आ गया 72। तो अगर जो मेरा एलसीएम है अगर इसको डिवाइड कर देता है, ठीक है, तो यही मेरा लार्जेस्ट नंबर होगा। अगर डिवाइड नहीं कर पाता है तो जितना रिमाइंडर आएगा अगर इसमें से घटा देंगे तो मेरा लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा जो डिवाइड करता है। तो 9999 / 720, ठीक है, तो वन टाइम में जाएगा तुम्हारा 720, तो हो जाएगा तुम्हारा 97 और 97 हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 ना, आप निकालोगे 9 तो 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है, तो 0 6 21, ठीक है, तो 9 9 6 3 6 यानी क्या आया 639 मेरा क्या आया रिमाइंडर आया, क्या आया रिमाइंडर आया। तो जो मेरा नंबर अगर ये 0 होता तो यही मेरा क्या आ जाता लार्जेस्ट लेटेस्ट नंबर जो 4 डिजिट का है, लेकिन क्योंकि मेरा रिमाइंडर कितना आया है इतना आ गया है, तो यानी कि इतना अगर इसमें से हम घटा देते हैं तो जो नंबर बचता है वही तो मेरा क्या आ जाएगा लेटेस्ट। तो हेंस रिक्वायर्ड नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो तुमको नंबर चाहिए वो हो जाएगा 9999 - 639, जो भी है देख ले कितना आएगा, 9 से 9 0 और 9 से 3 6 9 से 9 आएगा, ठीक है, ये जो नंबर है यही तुम्हारा जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, डिटरमाइन द लोवेस्ट नेचुरल नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, फिर से देखो क्या लिख रहा है डिवाइडेड बाय। तो अगर ट्रिक अगर याद रहेगा तो डाउट बोलोगे कि एलसीएम है, अगर ट्रिक नहीं भी याद है तो खुद से फिर से सोचो, मैं बार बार इसलिए सोचवा रहा तुम लोगों को कि ताकि तुम्हें कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखो कि जो तुम कर रहे हो उसके पीछे का लॉजिक तुम्हें आना चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि तुम आंख बंद के कुछ भी करोगे। तो बस एक चीज याद रखना कि मैं अगर स्टेप 1 से स्टेप 2 जा रहा हूं तो रीजन हमको पता होना चाहिए क्यों जा रहा हूं, बस अगर तुमको रीजन पता है तो तुम्हारा आंसर कभी भी किसी भी क्लास में जाओ गलत नहीं हो सकता। अगर विदाउट रीजन तुम रेंडमली लगा रहे हो, ठीक है, तो फिर वहां पर दिक्कत आती है, लेकिन तुमको अगर रीजन पता हो तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। अब देख कह रहा है कि व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस, ठीक है। अब सोचो कि 49 84 98 है, इससे भी डिवाइड होना है, इससे भी होना है और इससे भी होना है, तो वो जो नंबर होगा हमेशा सोच के देखो इससे बड़ा होगा जो सबसे बड़ा है, क्योंकि इससे छोटा वाला नंबर तो डिविजिबल होगा नहीं, तो तुम दिमाग में लगाओ क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है, तुम एलसीएम निकालो फिर स्टेप 1 में। एलसीएम कैसे निकालोगे, 49 84 और ये क्या है 98 है ना, चलो 2 से तो लगेगा, तो 49 42 और ये तुम्हारे कितना हो जाएगा 4 6 ना 9 4 9, ठीक है। अब ये 2 से ना लगा के हम डायरेक्ट 7 से लगाते हैं ना, 7 से लगाएंगे, ठीक है, 7 9 0 ये 7 से लगाओगे तो 1 6 और 7 सॉरी 1, शुरू में भी 2 से लगा सकते हो, गलत कभी नहीं होता है एलसीएम में, ठीक है। तो तुम या तो करो यहां से 2 से बराबर लगा दो, जनरली क्या होगा कि हाईएस्ट नंबर ऊपर रखते हैं, और नहीं तो तुम इसको लिख सकते हो 2 into 3, ठीक है, कभी भी गलत नहीं होगा, लेकिन चलो ऊपर करो नीचे करो लेकिन हमेशा याद करो छोटा से करते हो, ठीक है। मैं एक नंबर बचा था इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया था। अब देख तेरा एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 2 into 2 into, ठीक है, 3 into 7 into 7, अभी कितना आ रहा है 2 2 4 3
12 और 49 इंटू 12, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 बटी, ये मेरा क्या आ गया एलसीएम। अब बोल रहा है कि सब में रिमाइंडर मेरा क्या बच रहा है 7। अब सोचो अगर ये जो नंबर है ये सबका क्या है एलसीएम है, मतलब सब ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, लेकिन बोल रहा है कि लिफ द रिमाइंडर 7 इन ईच केस, सब में हमें क्या मिल रहा है 7 मिल रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि हेंस मेरा रिक्वायर्ड नंबर होगा, रिक्वायर्ड नंबर होगा 588 प्लस 7, 7 ज्यादा होगा, ठीक है, तो कितना होगा 815 8 9 595, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया नंबर हो गया। तुम इसको चेक कर सकते हो, चेक कैसे करोगे, तुम इस नंबर को 49 से डिवाइड करो, ठीक है, देखना रिमाइंडर 7 आ गया, चेक कर लेना, ठीक है, उसी प्रकार 84 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 7 आना चाहिए, उसी प्रकार जो एक और 98 है उससे भी डिवाइड करोगे रिमाइंडर 7 आएगा, अगर ये आता है तुम्हारा आंसर सही है, अगर नहीं आता तो गलत है, ठीक है, तो हमें ये चेक करने का तरीका पता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट्स डिवाइड 285 एंड 1249 एंड लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 9 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। अब ये क्वेश्चन सिंपल है, देख ट्रिक देखेगा तो क्या लिखा हुआ है डिवाइड्स, क्या लिखा हुआ है डिवाइड्स, तो मैंने क्या बताया था जहां पे डिवाइड्स लिखा हो तो वहां क्या लिख देते हैं एससीएफ। दूसरा चीज देख, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर डेट डिवाइड्स 285 एंड 1249, मतलब एक ऐसा बड़ा नंबर बताओ जो इसको भी डिवाइड करता है और इसको भी डिवाइड करता है, तो कभी भी कोई भी नंबर इससे बड़ा तो होगा नहीं, सिंपल सोचो कि जो इसका जो इससे बड़ा नंबर तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा नंबर होगा तो इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, यानी इससे छोटा नंबर हमको चाहिए, तो जहां भी हम तुमको बताएं कि छोटा नंबर चाहिए क्या होता है एससीएफ, ठीक है, तो कुछ ट्रिक्स फॉलो करो बहुत आसानी से क्वेश्चन पकड़ोगे आंसर लिखोगे। अब बोल रहा है कि 285 एंड 1249 एंड लीव्स रिमाइंडर ऑफ 9 एंड 7 रिस्पेक्टिवली, मतलब इसमें 9 रिमाइंडर देता है इसमें 7 रिमाइंडर करता है, तो तुम थोड़ा सा ट्रिक याद करो, ट्रिक नहीं बेसिक क्या था कि जो डिविडेंड था वही था डिवाइजर कोसेंट और ये रिमाइंडर था, अगर मेरा रिमाइंडर 0 आता है यानी कि डिवाइजर ही फैक्टर हो जाता है, अगर नहीं आता है तो उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरा ये डिवाइजर क्या आ जाएगा फैक्टर आ जाएगा, तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, स्टेप वन में क्या कर रहे हैं जो दोनों नंबर है उसका जो रिमाइंडर है उसको बस सब्ट्रैक्ट करके लिख रहे हैं, तो 285 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 276, कोई दिक्कत नहीं है, उसी प्रकार 1249 माइनस 7 हो जाएगा 1242। अब हमारे पास ये जो गिवन नंबर ये आ गया, अब लार्जेस्ट नंबर अब क्या निकालना है स्टेप में, लार्जेस्ट नंबर डेट डिवाइड्स दिस नंबर, तो इसको कौन सा नंबर जो डिवाइड कर सकता है जो लार्जेस्ट हो, तो होता है फैक्टर जो कि सबसे बड़ा हो, तो उसको क्या बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो चलो फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, तो बहुत मेथड हमको पता है स्टेप टू फाइंड एससीएफ, ठीक है, मेथड हमको बहुत पता है, किसी भी मेथड से लगाओ, मान लो डिविजन मेथड लगाते हैं, ठीक है, तो डिविजन मेथड क्या बोलता है जो सबसे बड़ा हो उसको जो छोटा वाला है उससे डिवाइड करेंगे, क्लियर, अब करो डिवाइड, तो मुझे लगता है ये 12 4 टाइम्स में कुछ होगा, तो 6 इतना कुछ हुआ ना, ये तुम्हारा 12 में से 4 गया तो 8 3 1 138 डिवाइड बाय 276, तो ये शायद हमको लगता है 35 70 38 टू टाइम्स में हो जाएगा 276 0, यानी ये हमारा क्या हो गया 138, ठीक है, तो जो मेरा क्वेश्चन गिवन था कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर हमारे जो डिवाइड कर रहे क्या है
नंबर रिक्वायर्ड कितना आ गया 130। अब तुम इसको चेक कर सकते हो, अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है तो इसको चेक भी कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो नंबर तुम्हारा आएगा 138, ठीक है, अगर तुम उसको डिवाइड किसको करोगे 285 को, तो रिमाइंडर कितना देना चाहिए हमको 9। अब देखो इसको तुम करके देखो, तो 2 टाइम्स में लगाते हैं, ठीक है, तो 16 27, ठीक है, तो 15 में से 6 गया तो 9, देखो रिमाइंडर मेरा क्या आ गया 9 आ गया। उसी प्रकार अगर इसको डिवाइड करते हैं 1249 को इससे, तो ये तुम्हारा कितना टाइम हो जाएगा, नाइन टाइम्स लगाते हैं तो 8 9 72, 9 3 27 और 7 34, हाथ में 3, तो 9 3 12, तो 7। देखो इसमें आगे क्या मेरा रिमाइंडर 7। यानी कि ऐसे करेंगे ना तो हमारा सारा जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारे लिए एक टास्क है कि जो भी तुम्हारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवेन है, ठीक है, उसको तुम सॉल्व करो, और जो डाउट होता है तो तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर।